हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी आज की इस फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरसेल के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरसेल के यूजर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है। तो आपने जरूर से सुना होगा कि एयरसेल की सर्विसेज बंद होने जा रही है, तो क्या है इसके बारे में पूरी डिटेल, वो आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है चेतन प्रकाश और आप देख रहे हो ज्ञान। तो दोस्तों, अगर आप एक एयरसेल के यूजर तो ये वीडियो आपके लिए काफी जरूरी होने वाला है, तो मेरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिए। अगर आप एक एयरसेल के यूजर हैं तो शायद आपके फोन के ऊपर एक ऐसा मैसेज जरूर आएगा जिसके अंदर आपको बताया गया कि हम अपने एयरसेल की सर्विस को बंद करने जा रहे हैं। तो आप अपने नंबर को किसी और सर्विस प्रोवाइडर के साथ पोर्ट करवा लें। कैसे आप पोर्ट करवा सकते हैं उसकी भी जानकारी इस मैसेज के अंदर दी गई है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एयरसेल की सर्विस पूरे इंडिया के अंदर बंद नहीं होने वाली है फिलहाल के लिए। ये कुछ एक स्टेट्स के लिए यहाँ पे बताया गया है कि कुछ एक स्टेट के अंदर एयरसेल की सर्विस बंद होने जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल किए गए हैं इस लिस्ट के अंदर, जिसके अंदर एयरसेल की सर्विस बंद होने जा रही है। अगर आप इन स्टेट्स के अंदर रहते हैं तो आपको अपना नंबर जल्दी जल्दी पोर्ट करवाना पड़ेगा अपने फेवरेट किसी दूसरे फेवरेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ। तो दोस्तों, क्यों एयरसेल की सर्विस बंद होने वाली है? तो दोस्तों, यहाँ पे एयरसेल को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें अपने सारे स्पेक्ट्रम्स बेचने पड़ रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आपने पहले न्यूज में ध्यान दिया होगा तो कुछ टाइम पहले न्यूज आई थी कि रिलायंस कम्युनिकेशन और एयरसेल एक साथ बिजनेस करने वाले हैं। तो कोर्ट ने ऐसा करने के लिए उनको मना कर दिया है नवंबर में ही, इसलिए उनको अपने सभी स्पेक्ट्रम्स की बड़ी कंपनी को बेचने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पे एयरसेल को बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। 20,000 करोड़ का उनके ऊपर बैंक्स का लोन है, जिसको वो अपने स्पेक्ट्रम 2G सर्विस के द्वारा नहीं चुका पा रहे हैं, अपने EMI कंटिन्यूसली नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए उनको अपनी सर्विसेज को बंद करना पड़ रहा है। तो उन लोन को चुकाने के लिए वो अपने सभी स्पेक्ट्रम्स को बेचने जा रही है। उनका 8.9 करोड़ का यूजर बेस है, 40,000 से ज़्यादा टावर उन्होंने पूरे इंडिया के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं, और बाकी जो भी उनकी एयरसेल की वायरलेस सर्विसेज हैं उन सभी को वह किसी बड़ी कंपनी को बेचने जा रही है, जिसकी वजह से वो अपने सारे बैंक्स के लोन को चुका सके और अपने एयरसेल की सर्विस को इंडिया के अंदर बंद कर सके। उनके पास 4G का स्पेक्ट्रम नहीं है, इसलिए वो अपने एयरसेल की कंपनी को ही इंडिया के अंदर बंद करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसलिए एयरसेल की कंपनी यहाँ पे इंडिया के अंदर बंद होने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप भी एक ऐसे यूजर हैं, अगर आप भी इन स्टेट्स के अंदर आते हैं जहाँ पे एयरसेल की सर्विसेज बंद होने जा रही है, जिसमें से गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, अगर आप इन स्टेट्स के अंदर आते हैं तो आप अपने नंबर को जल्दी से जल्दी पोर्ट करवा लें किसी और सर्विस प्रोवाइडर के साथ। 30 जनवरी की लास्ट डेट यहाँ पे आपको दी गई है। अगर आप 30 जनवरी के बाद यहाँ पे पोर्ट करवाने की कोशिश करते हैं तो आपका नंबर यहाँ पे पोर्ट नहीं किया जाएगा। 30 जनवरी से पहले आपको अपना नंबर पोर्ट करवाना पड़ेगा। अगर आपने 90 दिन पहले ही अपना नंबर परचेज किया है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा टाइम दिया जाता है अपनी सर्विसेज को यूज करने के लिए। यहाँ पे आपको टाइम दिया जाता है 10 मार्च तक अपने आप अपने नंबर को यूज कर सकते हैं। 10 मार्च के बाद आप अपने नंबर को पोर्ट नहीं करवा सकते हैं। 10 मार्च से पहले ही आपको अपना नंबर पोर्ट करवाना पड़ेगा, तभी आप अपने नंबर को यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये सर्विस उनको ही दी जाएगी जिन्होंने 90 दिन पहले ही अपने सर्विस को एक्टिवेट किया है, एयरसेल की सर्विस को एक्टिवेट किया है। तो 10 मार्च का टाइम यहाँ पे आपको दिया जाता है। तो दोस्तों, अगर आप इन कुछ एक स्टेट के अंदर आते हैं तो आप जल्दी से जल्दी अपने नंबर को पोर्ट करवा लें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो मुझे लाइक करके बता सकते हैं, और अगर आप आना चाहते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को, प्रेस कीजिए बेल आइकन को, ताकि आपके पास पहुंच सके मेरी अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, कैसे आपको वीडियो लगी, अगर आपका कोई सवाल तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं दूंगा आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई। लाइक कीजिए मेरी वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और दोस्तों सोशल मीडिया हैंडल्स को लाइक और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।